प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक देश में माल ढुलाई और यात्री परिवहन मुख्य रूप से जलमार्ग पर ही निर्भर रहा है। कालांतर में रेल और सड़क नेटवर्क ने जलमार्ग की महत्ता को कम कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जलमार्गों के संवर्धन की आवश्यकता को महत्व दिया और देश भर में 111 जलमार्गों को विकसित करने की घोषणा की। भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को इस चुनौतीपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का मुख्य उद्देश्य पवित्र शहर वाराणसी को कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ने में सफल रहा है। इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदियों पर बने जलमार्ग 2 और जलमार्ग 16। इन जलमार्गों को भारी औद्योगिक और कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए विकसित किया गया है। देश में जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जहां 2013 में यह 18.8 मिलियन टन हुआ करती थी, वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 108.76 मिलियन टन हो गई है। जलमार्ग विकास परियोजना फरक्का में एक नया नेविगेशनल लॉक का निर्माण करा रहा है, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये जहाजों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ये नया नेविगेशन लॉक 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जलमार्ग विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारी औद्योगिक कार्गो की परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करना है। गंगा नदी के किनारे बसे करोड़ों लोगों को सस्ती, पर्यावरण अनुकूल एवं आसान परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से जलमार्ग विकास परियोजना 2 शुरू की गई है। जलमार्ग विकास परियोजना 2 का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों, स्थानीय व्यवसायियों और स्थानीय समुदायों को आसान परिवहन की सुविधा का लाभ पहुंचाना है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण करा रहा है। गंगा नदी के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 891 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को अरुणाचल प्रदेश के सादिया से असम के धुबरी तक जल परिवहन के लिए बनाया गया है। इसी तरह बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 16 को विकसित किया गया है, जो कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से बांग्लादेश के साथ होने वाले व्यापार को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में सुरक्षित नेविगेशन के लिए 4 डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही साथ धुबरी, जोगीघोपा, बिस्वनाथ, डिब्रूगढ़, ओकलैंड, ओरियम घाट और सादिया में 12 फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं, जो सीमेंट, इमारती लकड़ी, चाय, कॉफी, तेल, कोयला, रबर, अनानास जैसे कार्गो की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे धुबरी में 46.69 करोड़ रुपए के निवेश से स्थायी रोरो टर्मिनल का निर्माण किया गया है। एमवी सचिन देव बर्मन और एमवी रानी गाइडिन ल्यू रोरो जहाजों ने माजुली के 144 गांव के 1,50,000 लोगों के जीवन को बदल दिया है। उत्तर पूर्व में विकसित ये जलमार्ग का नेटवर्क इस पूरे क्षेत्र को कोलकाता और हल्दिया जैसे प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ने के साथ ही साथ पूरे BBIN क्षेत्र यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के लिए एक नया आर्थिक मंच भी तैयार करेगा। क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड के नाम की परियोजना के मूलभूत ढांचे को तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र को IBP रूट एवं सहायक नदियों के द्वारा एक ग्रिड में समायोजित किया जाएगा। कोल्लम से कोट्टापुरम तक बना 205 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 मुख्य रूप से पश्चिमी तट की नहरों पर आधारित है। मुख्य खंड के अलावा चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरें भी जलमार्ग परिवहन के अनुकूल हैं और कोच्चि के औद्योगिक गलियारे को भी कोच्चि बंदरगाह से जोड़ती हैं। रोरो जहाजों MV आदिशंकर और MV CV रमन को कोच्चि की सड़कों पर बोझ को कम करने के लिए वेलिंगटन आइलैंड और बोलगट्टी रोरो जेटी के बीच तैनात किया गया है। गोवा में नदियों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए अच्छी तरह से विकसित जलमार्ग की सुविधा है। गोवा में कई नदियां हैं और ये सभी पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिल जाती हैं और इस पर जलमार्ग के विकास का काम लगातार चल रहा है। म्यांमार में भारत ने कालादान परियोजना को अभी अभी पूर्ण किया है,
जिसके अंतर्गत सितवे में कालादान नदी के मुहाने पर एक गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण, नदी की ड्रेजिंग, सितवे से पलेटवा तक नदी को परिवहन अनुकूल बनाया जाना, पलेटवा नदी में एक बंदरगाह का निर्माण, चिन राज्य में स्थित भारत म्यांमार सीमा पर पलेटवा से माई कवा तक राजमार्गों का निर्माण शामिल है, जो भविष्य में इस जलमार्ग के माध्यम से मिजोरम एवं सुदूर पूर्व सागर से जुड़ जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरदेशीय जल ट्रांजिट और व्यापार प्रोटोकॉल एक देश के अंतरदेशीय जहाजों को दूसरे देश के निर्धारित मार्गों से ट्रांजिट की अनुमति देता है। ये प्रोटोकॉल रूट है कोलकाता से सिलघाट 1720 किलोमीटर, कोलकाता से करीमगंज बदरपुर 1339 किलोमीटर, धुलियन से अरीचा 270 किलोमीटर, सिलघाट से करीमगंज बदरपुर 1437 किलोमीटर और सोनमुरा दाऊकंडी 93 किलोमीटर। जलमार्गों के विकास और उन्हें परिवहन योग्य बनाए जाने से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 पर क्रूज पर्यटन की शुरुआत भी हो गई है। इन क्रूज जहाजों ने विभिन्न तरह के पर्यटन स्थलों जैसे वन्य जीव अभयारण्य, एडवेंचर टूरिज्म, पर्यावरण पर्यटन, हिल स्टेशन, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वाराणसी के गौरवशाली घाटों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी की है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण एक स्वच्छ, सुगम और हरित परिवहन माध्यम को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे यातायात के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है एवं अमृतकाल के अपने 500 मिलियन टन के लक्ष्य पर IWAI निरंतर अग्रसर है।